नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक्स, हाउ टू मेजर द इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एन केमिकल या फिजिकल प्रोसेस। हेडिंग देखिए, मेजरमेंट ऑफ डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल एच एंथैल्पी चेंज बाय कैलोरीमीटर techniques. Here we apply the techniques, experimental techniques known as calorimeter for measuring the heat change, chemical reaction or a physical process. Measure the energy change associated with chemical or physical process by experimental technique known as calorimeter techniques. और रिएक्शन प्रोसीड या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स प्रोसीड इन ए वेसल नोन एज कैलोरीमीटर, जिस वेसल में ये प्रोसीड होता है, कैरी आउट होता है एक्सपेरिमेंट, उसको क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। उस वेसल को हम यहां कैलोरीमीटर कहते हैं। और कैलोरीमीटर में एक नॉन वॉल्यूम का लिक्विड भरा रहता है, ज्ञात मात्रा में ज्ञात आयतन का लिक्विड भरा रहता है। इफ यू नो द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड्स और हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, वी कैन डिटरमाइन द हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शंस। हाउ मनी? बाय द मेजरिंग द temperature change. Now this measurement we can describe in two conditions. One condition is at constant volume, okay, other at constant pressure. Do you know this equal to del U or this equal to del H? We know already in previous video. So there are two conditions to measure the temperature change during the chemical या physical process. Number one, at constant volume, heat transfer, heat alone at constant volume equal to change in the internal energy. At constant pressure is equal to enthalpy change. Now, first of all, we measure the internal energy change. A measurement of del U any for it or any reactions, energy change during the any chemical reaction is determined measured by bomb calorimeter. इसके द्वारा बोम कैलोरीमीटर। व्हाट इज द बोम कैलोरीमीटर? देयर आर टू पार्ट, वन इज बोम, अदर इज कैलोरीमीटर। इट इज आल्सो ए वेसल, इट इज आल्सो ए वेसल, अनदर वेसल। सी टू आर द फिगर फर्स्ट, दिस ए वेसल, दिस इज अ स्टील वेसल, स्टील वेसल। दिस स्टील वेसल नोन एज बॉम्ब, इट कंटेन ए सैंपल सबस्टेंस। कौन सा सैंपल सबस्टेंस? कंबस्टिबल सबस्टेंस, दहन योग्य, जो जिसका दहन हो सके,
कम्बुसेबल हो, कम्बुस्टिबल सब्सटेंस पुट इन द दिस वेसल्स इन हेयर इज रेड कलर, दिस द सैंपल कम्बुटेशन सब्सटेंस, दिस इज द ऑक्सीजन इनलेट, दिस इज द O2, टोटल बम वेसल इज फिटेड विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, दिस इज द इलेक्ट्रिकल वायर नोन एज द फायरिंग लीड, दिस बम वेसल्स, दिस इज ए स्टील वेसल्स, इट इज बिल्ड बाय स्टील्स, द स्टील वेसल नोन एज बम, दिस बम वेसल इज डीप इन ए कलरी मीटर, दिस इज द कलरी मीटर, कलरी मीटर, दिस वेसल आउटसाइड वेसल नोन एज कलरी मीटर, हेयर इन कलरी मीटर लिक्विड इज वाटर, दिस कलरी मीटर कंटेन द वाटर ए फिक्स वॉल्यूम्स, एक निश्चित मात्रा में इसमें क्या होता है पानी भरा होता है, इस आउटर जो बम के बाहर का एरिया है ये कलरी मीटर कहलाता है, और बम वेसल को हम किसमें डिप कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, इमर्ज इन कलरी मीटर विच कंटेन द नोन अमाउंट ऑफ वाटर, दिस कलरी मीटर हैव ए स्टीरर एंड ए थर्मामीटर टू नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट इक्विपमेंट आर फिटेड इन थर्मोस्टेट टू राइज द टू ऑब्टेन द एडियाबेटिक कंडीशन, या एडियाबेटिक कंडीशन के लिए इसको किस में रख देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं, किसी प्रकार के ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, किसी प्रकार से वॉल्यूम चेंज नहीं हो, इसलिए हम इस कलरी मीटर को थर्मोस्टेट में रख देते हैं। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इज कॉन्स्टेंट देन वी मेजर हाउ मेनी टेम्परेचर, सपोज इट इज T1 बिफोर द स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, वाटर का टेम्परेचर कितना है मान लीजिए सपोज T1 बिफोर द स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट्स, नोट कर लिया। अब व्हेन वी हम जब यहां विद्युत प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, देन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बम आर बर्न, क्या बर्न होगा, ड्यूरिंग दिस बर्निंग द हीट इज इवोल्व एंड ट्रांसफर टू कलरीमीटर वाटर, व्हेन द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न and then heat all heat is transferred from bum to water, then we note the temperature of water, suppose it is T2, it is T2, listen again, the temperature note is before the experiment T1 of water and after the experiment heat transfer from bum to water and noted it is T2. How many temperature change? T2 minus T1 barabar delta. I want to say there is no volume change. There is नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज यहां नहीं होगा, आयतन परिवर्तन यहां क्या बच्चों शून्य, क्योंकि कलरीमीटर इज शील्ड बाय थर्मोस्टेट, कलरीमीटर यहां कलरीमीटर कौन सा है, बम कलरीमीटर है,
इज कंप्लीटली सील्ड बाय थर्मोस्टेट, तो देर इज नो वॉल्यूम चेंज, नो वर्क, नो वॉल्यूम चेंज और नो वर्क, कोई भी कार्य नहीं होगा। जब कोई कार्य नहीं होगा तो कोई आयतन भी चेंज नहीं होगा, तो कार्य भी नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, चाहे वो गैसीय सिस्टम के हो। ओके, अब वी इफ यू कैलकुलेट द क्यू वी इक्वल टू सी डेल टी, वी नो ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो क्यू वी सी, इफ यू नो द सी, सी द हीट कैपेसिटी, यदि हीट कैपेसिटी हमें ज्ञात हो, किसकी, इफ यू नो द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, तो वी कैन डिटरमाइन द हीट इवॉल्व एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डेल एच डेल यू। ओके, पुनः सुन लीजिए, हम हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट कितनी इवॉल्व होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, यदि हमें हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोइंग, यदि हमें ज्ञात हो, तो हम जो टेम्परेचर चेंज है उसकी सहायता से हम क्यू वी का मान ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अब वी नो दिस इक्वल टू दिस दिस, भाई क्यू वी बराबर क्या है, तो सी डेल, इसका मतलब टी टू माइनस टी वन। इस प्रकार से हम वी कैन मेजर द डेल यू, इंटरनल एनर्जी का मापन इस प्रकार से कर सकते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, किसकी सहायता से, बम कैलोरीमीटर की सहायता से हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज का मापन इजीली कर सकते हैं। आगे आए, दूसरा है बी मेजरमेंट ऑफ क्या, डेल एच, हीट चेंज एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर यहां कॉन्स्टेंट एटमोस्फेयर प्रेशर, यहां प्रेशर का मतलब वायुमंडलीय दाब से है, कॉन्स्टेंट एटमोस्फेयर प्रेशर है, कैन बी डिटरमाइंड बाय द फिगर टू एक्सपेरिमेंट। वी नो बराबर डेल एच हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस किस पर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, लिसन टू मून, हीट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल आर एच, हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो नोन हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
ये डायग्राम पर ध्यान दीजिए, अटेंशन टू आर दिस डायग्राम। ये एक फोमिंग पॉलीस्टाइरिन कप है, मतलब एक मान लीजिए वेसल है बाल्टी प्लास्टिक वेसल, यह ऊपर से खुली है क्योंकि हमने या जो वायुमंडलीय दाब है एटमोस्फेरिक प्रेशर पर काम करना है। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर। ये एक रिएक्शन मिक्सर है, इसमें अभिक्रिया मिश्रण है। इसका टेम्परेचर हम पहले नोट कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर हमें बाद में नोट करना आफ्टर द रिएक्शन। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है हीट इवोल्व क्या होगी, इसमें हीट इवोल्व देन क्यूपी पॉजिटिव एंड डेल आर एच पॉजिटिव। ओके एक्सोथर्मिक, इफ एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो हीट एब्जॉर्ब। ओके देन क्यूपी बराबर नेगेटिव एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव। एक्सोथर्मिक नेगेटिव होता है, कैसे होता है एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही है लिबरेट हो रही है निकल रही है, और एंडोथर्मिक में ओके आई एम राइट इट इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आपने आपको देखा हाउ टू मेजर द इंटरनल एनर्जी चेंज, हाउ टू मेजर द एंथैल्पी चेंज बाई कलरीमीटर। एंथैल्पी चेंज दिस कलरीमीटर द्वारा देखा हुआ और इंटरनल एनर्जी चेंज बम कलरीमीटर द्वारा। तो बम कलरीमीटर क्या है इसको हम बता चुके हैं, यहां ओनली वी कैन मेजर द टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, ओनली टी वन टी टू का मेजर करते हैं, इसमें मापन करते हैं। Then we calculate the heat absorb or heat evolves of the chemical or a physical process. If heat capacity of the calorimeter or heat capacity of water is known, so we can calculate the heat. बता चुके हम QV बराबर C del T और QV बराबर del Q. क्लियर, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बस स्टॉप।